हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुकीज किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरेला रोटला की रेसिपी, जो खासकर गुजरात में स्पेशली विंटर के सीजन में बनाया जाता है। ग्लूटेन फ्री रोटी, बाजरे की स्टफ्ड रोटी तो बनाइए इस तरह से इस विंटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी स्टफ्ड रोटला। भरेला रोटला की पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। इसके साथ ही हम डालेंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें हमें रेड चिली यूज नहीं करना है, मैंने ग्रीन चिली और साथ में अदरक का टुकड़ा पीस लिया है, इसे डाल देंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे 3 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। इसे अच्छा सा नटी फ्लेवर आएगा। इसे अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। घी की जगह आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉटे हो चुकी है। इसमें अब हम डालेंगे ग्रीन गार्लिक। ग्रीन गार्लिक मैंने यहाँ चॉप करके रख लिया है, हाफ कप। यहाँ मैंने लिया है ग्रीन ऑनियंस और मेथी के पत्ते 1/2 कप। पहले हम डाल देंगे ग्रीन गार्लिक, इसे सॉटे कर लेते हैं। इसका हल्का सा जो कच्चापन होता है वो चला जाए तब तक हम इसे सॉटे करेंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है हमें सब्जियों को। साथ में हम डाल देंगे ग्रीन ऑनियन, इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसे सॉटे करेंगे। ऑनियन अच्छे से सॉटे हो चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे मेथी के पत्ते। साथ में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे सॉटे कर लेंगे। मेथी के पत्ते भी अच्छे से कुक हो जाए। देखें, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पे 102 मिनट तक इस तरह पका लें ताकि सारा मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। ज़्यादा पानी रहेगा तो आप इसे स्टफ़ नहीं कर पाएंगे रोटला में। तो 1 से 2 मिनट पका कर इसका फ्लेम ऑफ़ कर दें। स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और ठंडा होने देते हैं। देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। साथ में हम डाल देंगे हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटा गूंथ लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में 2 कप बाजरे का आटा लिया है। कोई भी एक बाउल सेट कर ले आप इसके लिए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 2 कप आटे के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। जिस मेज़रमेंट से हमने यहाँ आटा लिया है उसी मेज़रमेंट से हम 1 कप पानी ले लेंगे और उसे हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। गुनगुना पानी डालते हुए हम आटा गूंथ लेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है हमें। बाजरा की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमें इसे विंटर में खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर को गर्माहट मिले। ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है आटा। आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आप डाइट पे हो तो आप ये के आटे की रोटी ज़रूर खाए। देखें, आटा मैंने गूंथ लिया है इस तरह से हमें चाहिए। देख पा रहे हैं आप, 1 कप पानी में से 2 से 3 टेबल स्पून पानी बच गया है। इस तरह से हमें एक बड़ा सा लोई लेना है जिसको हमें और अच्छे से गूंथना है। 5 मिनट तक इसे इस तरह से हथेली से गूंथेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारी रोटी अच्छे से रेडी हो। 5 मिनट बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ जो हमने अच्छे से गूंथा है और इसका कलर बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए ये लोई ले लेते हैं हम इस तरह से और रोटी बेलेंगे। यहाँ मैंने लोई ले ली है, इस पर हम आटा छिड़केंगे। मैंने यहाँ गेहूँ का आटा लिया है, इसे बेल देंगे। बस इसे हाथों की मदद से इस तरह से हम एक बॉल जैसा बनाएंगे।
ताकि हम इसमें अच्छे से स्टफ कर पाए। स्टफिंग बनाया था हमने, वो ठंडा हो चुका है। इसमें से हम 2 टेबलस्पून स्टफिंग लेंगे और इसमें भर लेंगे। स्टफिंग को इस तरह से प्रेस करते हुए चारों तरफ से इसे इस तरह क्लोज कर देंगे। देखिए, अब हाथों की मदद से इसे हल्का सा प्रेस कर लेते हैं इस तरह से। आटा छिड़केंगे थोड़ा सा और एक बार इसे हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। साइड्स ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से साइड्स पे भी हम इस तरह बेलेंगे। बस ये हमारा रोटला रेडी हो चुका है, अब इसे सेक लेंगे। पा यहाँ गरम हो चुका है, अब इस पे डाल देंगे हम रोटला। धीमी आंच पर हम इसे सेकेंगे। जब भी आपको स्टफिंग करना हो तो लोई बड़ी ले, तो अच्छे से आप स्टफ कर पाएंगे और रोटी टूटेगी भी नहीं। देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया है, तो ऐसे जैसे सिक रहा है, देखिए फूल रहा है हमारा रोटला। बस ये सिक चुका है, दूसरे तरफ से भी इसे निकाल लेते हैं हम सर्विंग प्लेट में। गरम गरम रोटले पर हम लगाएंगे घी, अच्छे से घी स्प्रेड कर देंगे इवेनली। स्टफिंग में आप चाहे तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं। सारी हेल्दी चीज़ें मैंने बताई है आपको, मैं कट कर लिया है। देख देखिए स्टफिंग हमारा कितना यमी लग रहा है। लीजिए, इस तरह से सर्व किया जाता है भरेला रोटला की रेसिपी के साथ कड़ी, ये मिर्ची का अचार, खिचड़ी और सब्जी। तो ये है विंटर स्पेशल रेसिपी, ग्लूटेन फ्री। आप इस तरह से बनाइए बाजरे का स्टफ्ड रोटला। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।